पहले तो आज सब पूरे प्रदेशवासियों को नए वर्ष की हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और आप सब लोगों को भी, सभी मीडिया कर्मियों को, सभी को हमारी तरफ से नए वर्ष की शुभकामनाएं। मंत्री ने कहा है कि विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे राहुल गांधी 2024 में, और किसी दल का नहीं, कोई हो सकता चलिए, इस पे हम क्या बता सकते हैं। ये तो जब सब लोग बैठेंगे, सभी लोग बैठेंगे, तब इस पर निर्णय दिया जाएगा। 2024 में जो लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे गठन में आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी से निभाएंगे, और सबको जोड़ करके हमारा प्रयास होगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाए। मायावती लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सपा और भाजपा मिली भगत है इन लोगों की, और इस तरह से ही ये लोग अपने प्लानिंग से काम कर रहे अच्छा, पूरा प्रदेश जानता है उनके बारे में, पूरा प्रदेश जानता है वो किससे मिली हैं, किसके लिए काम कर रही हैं, और सब लोग, पूरे लोग समझ चुके हैं, अब उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं हैं। निकाय चुनाव में कितनी सीटें आप ले जाएंगे उत्तर प्रदेश में? है। देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरह से स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज है कि कैसी तैयारी रखे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत चिंतित है? पूरी तैयारी करेंगे, कार्यकर्ता पूरी तैयारी करेंगे, चुनाव तो हो जल्दी। हम चाहते हैं कि चुनाव आरक्षण लागू हो तुरंत, और तुरंत लागू हो करके चुनाव हो, और सरकार को कराना चाहिए जल्दी। ठीक है, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।